स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। और होली कैसी रही आप लोगों की? कल होली थी ना, तो सबने होली खेली या नहीं खेली? अगर होली खेली भी तो और सारे प्रिकॉशंस तो लिए होंगे ना आप सबने, है ना? तो होली भी अच्छे से खेली होगी। अब आती है एग्ज़ाम का टाइम, 1 अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम है ना, परसों थर्सडे से। सब लोग रेडी कर रहे हो ना? प्रिपरेशन तो हो गई है? नहीं हुई है अभी तक? अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो स्टार्ट कर दो। और इंग्लिश में हम आज क्या करेंगे? पेज नंबर 84, ब्लू प्लैनेट एंड द मून। फर्स्ट, वी लिव ऑन अर्थ प्लैनेट। आपको ये बात मालूम है कि हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। किस पे रहते हैं हम? अर्थ पे रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अच्छा, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, मालूम है ना? क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अर्थ पे 71% क्या होता है? वाटर होता है। 29% क्या होते हैं? और लैंड है ना? तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे तो वो पानी का कलर को हम क्या एज्यूम करते हैं? ब्लू। और स्काई को भी हम ब्लू भी एज्यूम करते हैं। तो अर्थ पे पानी ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लू प्लैनेट। थर्ड, इट इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखो, 8 प्लैनेट्स हैं गैलेक्सी में और यूनिवर्स में 8 प्लैनेट्स हैं, और जो सब सन से लाइन से हैं। तो जो सन से थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है उसका क्या नाम है? अर्थ। जो सन से थर्ड नंबर पे प्लैनेट है उसका क्या नाम है? अर्थ। द अर्थ हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अर्थ पे क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी है। 5, द अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अर्थ पे पानी है, अर्थ पे ऑक्सीजन है, इसलिए वहाँ पे क्या है? लाइफ है। जहाँ पे हमें एक लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऑक्सीजन भी है हमें ब्रीथ करने के लिए, एंड पानी भी है वहाँ पे हमें पीने के लिए। तो अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द मून, द मून नेक्स्ट जो है, द मून इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब द मून क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है, मतलब बॉडी है गैलेक्सी में। देखो, जैसे स्टार्स होते हैं वो बॉल होते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। सब जो अलग अलग होते हैं ना, मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारे स्पेस का पार्ट होता है। तो मून क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है। इट शाइन्स इन द स्काई। ये कहाँ शाइन करती है? स्काई में शाइन करती है। कहाँ शाइन करती है? ये स्काई में शाइन करती है। इट शाइन्स एट द नाइट। ये कहाँ पे शाइन करती है? कब करती है? रात को या दिन में? रात को। देखो, ये जो मून्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो अपनी जगह से ऐसा नहीं है कि दिन में होते हैं, रात को नहीं होते, रात को होते हैं, दिन में होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि दिन में हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब सन आता है तो सन की जितनी लाइट होती है उसके आगे ये मून हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो हमें सिर्फ रात को दिखाई देता है। द मून चेंजेस इट्स शेप। मून क्या होता है? अपनी शेप को चेंज करता है। मैंने आपको बोला था ना कि मून क्या करता है? अपने शेप्स को चेंज करता है। द मून चेंजेस इट्स शेप्स। 5, द मून इज़ ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट। मून को और हम क्या कह सकते हैं? द मून इज़ ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट। क्या है वो? सैटेलाइट है। नाउ पेज नंबर 85, द सन। द सन इज़ अ स्टार। आपको मालूम है सन क्या है? सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। सन की खुद की लाइट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो दूसरे की लाइट को ऑब्जर्व करता है। नो, सन के अंदर इतना हीट होता है, द सन हैज़ हीट। सन के अंदर इतनी हीट होती है, इतनी लाइट होती है कि वो खुद चमकता है, वो ब्राइट होता है। द सन शाइन्स इन द स्काई। जो सन है वो कहाँ स्काई चमकता है? स्काई में। द सन शाइन्स इन द स्काई। द सन इज़ वेरी बिग इन साइज। द सन कैसा होता है? द सन इज़ वेरी बिग इन साइज। द सन हैज़ हीट। सन, द सन का क्या होता है? सन देखो, ये बिग साइज में है, बट हमें वो दिखता क्यों है छोटा? क्योंकि हम सन से बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं। हम सन के पास में रहेंगे तो जल जाएंगे, है ना? क्योंकि सन के अंदर बहुत लाइट होती है, वो आग जलती है ना, जैसे अपने टीवी वगैरह में और देखा होगा।
तो सन कैसे होते हैं, बहुत ही लाइट होता है, उसके अंदर बहुत लाइट होती है, उसके अंदर बहुत हीट होती है. द सन हैज़ हीट एंड लाइट. नेक्स्ट लैपटॉप. और लैपटॉप इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर. लैपटॉप क्या है, स्मॉल कंप्यूटर. पहले कंप्यूटर में क्या होते हैं, और CPU होते हैं, मॉनिटर होते हैं, और माउस होता है, कीबोर्ड होता है. तो लैपटॉप क्या है, एक छोटी सी चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, जिसमें हमें अलग से CPU या मॉनिटर या कीबोर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें उसी में ऑलरेडी अटैच्ड होती है. इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर. वो छोटा होता है तो हम कभी भी अपने जैसे स्कूल बैग होते हैं, अपने बैग में इसको रख के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. और लैपटॉप मेक्स आवर लाइफ ईजी. और लैपटॉप क्या करता है, हमारी लाइफ को ईजी बनाता है. लैपटॉप क्या करता है, आवर लाइफ ईजी. वी कैन डू वर्क फास्ट. हम अपने जो काम होते हैं वो लैपटॉप से कैसे करते हैं, हम अपने काम को, कोई भी काम हो, जो लैपटॉप क्या करता है उसको बहुत ही फास्ट कर देता है. जो हम 10 मिनट पे काम करते हैं वो 1 या 2 मिनट में कैलकुलेशन वगैरह कर देता है. इसमें वी कैन प्ले गेम्स. हम उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं. आपको मालूम है ना, हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं, मोबाइल में गेम खेल सकते हैं, लैपटॉप पे गेम खेल सकते हैं. तो वी कैन प्ले गेम्स ऑल्सो. पेज नंबर 87. देखो इसमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन था. देयर इज अ हिल. यहाँ पे क्या है, ये हिल है. देयर इज अ हिल. देयर आर हाउसेस. हाउसेस जो हाउसेस हैं, देयर आर हाउसेस. देयर आर क्लाउड्स. ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, क्लाउड्स. देयर आर क्लाउड्स. ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है इसलिए ऐसे क्लियर नहीं है, अदरवाइज ये क्लाउड्स है. देयर आर ट्रीज. ये जो क्या है यहाँ पे, ये ट्रीज हैं. क्या है ये, ट्रीज. देयर इज द रिवर. ये जो बह रही है रिवर, ये क्या है, रिवर. देयर इज अ रिवर. तो ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है जो आपको करना है. सो होप यू गाइस यू विल डू योर होमवर्क. एंड फॉर टुडेज थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.